आईडीएफसी फर्स्ट बैंक नतीजे आए हैं 29 तारीख को और बहुत ही ज़बरदस्त नतीजे रहे हैं। शनिवार शाम को ये रिजल्ट्स आए हैं और हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने आईडीएफसी बैंक की टॉप मैनेजमेंट टीम में से दो खास मेहमान मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ मिस्टर वी वैद्यनाथन सर हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और बैंक के सीएफओ सुधांशु जैन साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। पहले एक बार जल्दी से नतीजे हमारे दर्शकों के सामने रख दूँ और उसके बाद मैं आपसे मुलाकात करूँगा। मुनाफे और नेट इंटरेस्ट इनकम हर एक फ्रंट पर नतीजे रहे हैं बेहद ज़बरदस्त, बाजार की उम्मीदों से बेहद बढ़कर शानदार नतीजे आते दिखे। नेट इंटरेस्ट इनकम ये पहुंची है 36% की बढ़त के साथ 3755 करोड़, उम्मीद हमारी 3720 करोड़ की थी। मुनाफे का आंकड़ा पहुंचा है 765 करोड़ और ये भी 61% की बढ़त के साथ पहुँचा है 740 करोड़ की उम्मीद थी, यानी कि उम्मीद से बेहतर है। एसेट क्वालिटी दोनों ही सुधर कर आती दिखी है तिमाही दर तिमाही नेट और ग्रोस लेवल पर, और नेट इंटरेस्ट मार्जिन 6.33%, ये भी उम्मीद से बेहतर रहते हुए नजर आए। फी इनकम 49% के आसपास बढ़ी है और रिटर्न ऑन एसेट्स और रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों ही मजबूती के साथ बढ़कर नजर आए, यानी कि हर एक पैरामीटर पर बैंक की तरफ से बेहद शानदार परफॉर्मेंस आती दिखी है। वैद्यनाथन सर, पहले तो आप दोनों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन स्टेलर परफॉर्मेंस पर। शुरुआत आपसे करना चाहता हूँ सर, बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है हर एक पैरामीटर्स पर, इस क्वार्टर की क्या खास ट्रिगर्स रहे सर जिनके दम पर ये परफॉर्मेंस आई है? देखिए, हम क्वार्टर टू क्वार्टर नहीं देखते हैं, हम बैंक बना रहे हैं पिछले 3-4 साल से, जो फ्रंटसेक अच्छी क्वालिटी की बना रहे हैं, उस क्वालिटी का हमारे डिपॉजिट्स बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं, लोन बुक की एसेट क्वालिटी अच्छी है, प्रोविजन बहुत कम है और एनपीए कम है, तो ऑटोमेटिकली जो प्रॉफिट से तो हम लोग तो हर एक क्वार्टर पर नंबर्स आपके मजबूत आते दिख रहे हैं। नेट इंटरेस्ट मार्जिन सर, सुधांशु जैन साहब आपसे उस पर राय लेना चाहता हूँ, 6.33% के तिमाही दर तिमाही लगभग स्टेबल है, मार्जिन मजबूत रहने की वजह और आगे 3 क्वार्टर के लिए आउटलुक? सबसे पहले गुड मॉर्निंग अनिल जी, सारे दर्शकों को गुड मॉर्निंग, थैंक यू। मार्जिन हमारे काफी स्ट्रॉन्ग रहे हैं, 6.33% में है, हमारी लोन मिक्स काफी हेल्दी है जो हम ये मार्जिन दे रही है, कॉस्ट ऑफ फंड्स भी हमारे काफी स्टेबल है, थोड़ी इंक्रीज आपने देखा, थोड़ा मॉडरेशन हुआ है इस क्वार्टर में बिकॉज कॉस्ट ऑफ फंड्स बढ़े हैं, टर्म डिपॉजिट की कॉस्ट थोड़ी लैग से आती है, बट आगे के लिए अगर मैं मुझे कहना है मार्जिन कैसे रहेंगे तो मेरे को तो ब्रॉडली स्टेबल रहेंगे, यहाँ से थोड़ा स्लाइट मॉड्यूलेशन हो सकता है बिकॉज स्टिल थोड़ी पीजी की कॉस्ट आनी है बुक्स पे, बट लोन ग्रोथ क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग आ रही है, ऑलमोस्ट 24-25% का हमारा गाइडेंस है लोन बुक पे, अभी भी हमारे पास कुछ लेगेसी बोरोइंग्स है जो रिटायर करनी है इस साल में, कुछ 3500 करोड़ रिटायर होंगी, 0.9% है, तो मुझे लगता है ये सब कॉम्बिनेशन हम लोग के तहत लोन ग्रोथ जो मजबूत दिख रही है कहाँ से ज्यादा आपको आती हुई दिख रही है, क्या सारे सेगमेंट्स कॉर्पोरेट रिटेल कहाँ से आप ज्यादा मजबूत ग्रोथ देख रहे हैं? इनफैक्ट हम सारे सेगमेंट में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देख रहे हैं, अगर आप देखें तो हमारी रिटेल बुक जो है जिसमें मॉर्गेजेस है जो 24% से ऑफ द बुक है उसमें भी काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है, होम लोन कुछ 30% बढ़े हैं बाय-बाय, आप अगर व्हील सेगमेंट देखें लोगों की डिमांड उस पर काफी बढ़ रही है, हमारी भी ग्रोथ काफी अच्छी है तो उसमें मार्केट शेयर भी हम गेन कर रहे हैं, आप देखेंगे कुछ हमारी बुक्स जो कि अभी थोड़ी स्मॉल है तो बेस इफेक्ट भी है, जैसे कि कमर्शियल व्हीकल, अगर आप देखेंगे गोल्ड लोन, एजुकेशन लोन, सो काफी सारे सेगमेंट है जहाँ पे हमको ग्रोथ मिल रही है अच्छी, क्रेडिट कार्ड में भी हमने 1.7 मिलियन कार्ड इशू किए हैं, ऑलमोस्ट 70% बढ़ी है बाय-बाय, एसएमई जो हमारा फोकस एरिया रहा है वहां पे भी काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है, आप देखेंगे बिजनेस बैंकिंग सेगमेंट में जो एसेंशियली वर्किंग कैपिटल होता है हम कहेंगे स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को देते हैं, वो ग्रोथ बुक भी काफी अच्छी ग्रो करी, तो मैं कहूंगा ऑल अक्रॉस हमें काफी अच्छी डिमांड मिल रही है। परफेक्ट वैद्यनाथन सर, दो नंबर्स पर आपसे राय लेना चाहता हूँ, एक है रिटर्न ऑन एसेट्स 1.2526% पहुंचा है, आरओई आपका 11.78% पहुंचा है, पिछले 7-8 क्वार्टर से मैं देख रहा हूं लगातार इसमें इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखा है, क्या टारगेट्स आप लेकर चल रहे हैं, कहां तक पहुंचना चाहते हैं?
सुधांशु जी माफ कीजिएगा, ये सवाल वैद्यनाथन सर के लिए था, मैं उनसे जानना चाहता था। सर बताएं जी। अच्छा, शायद ऑडियो इशू है। ओके ओके, क्या आप सुन पा रहे हैं वैद्यनाथन सर? अच्छा ठीक है, ओके, शायद ऑडियो इशू है। सुधांशु जी बताएं सर। इससे बैंक का बहुत फायदा हो रहा है एंड देयरफॉर जो इंक्रीमेंटल जैसे जैसे बैंक का बुक मोर रिटेल होता जाएगा आपने बात सही की। एक्चुअली क्या करें कि सेबी के नियम है, हर क्वार्टर रिजल्ट्स आते हैं, हर क्वार्टर आपसे बात करने का हमें मौका मिलता है। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मुझे याद है शायद 2 साल पहले की बात होगी, जब कई सारे विदेशी ब्रोकरेजेस IDFC के टारगेट 15, 17, 20, 22 रुपये दिया करते थे, राइट, और राइट ऑफ ही कर दिया, मतलब IDFC बैंक रहेगा कि नहीं रहेगा, उस तरह की बातें करते थे। वहाँ से आज आप इस परफॉर्मेंस में पहुँचे। आज भी मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा था सर, सर नंबर्स किसी भी लिहाज से देखें, इससे बढ़िया नंबर कोई बैंक क्या देगा, लेकिन टारगेट सबके वही हैं जहाँ आपकी स्टॉक प्राइस है 85 रुपये के आसपास। क्या लग रहा है आपको, क्या ब्रोकरेजेस ये सारे लोग बहुत समय से पीछे चल रहे हैं आपके बैंक को लेकर? जी तो पीछे ही चल रहे थे, वो मैथमेटिकली चल रहे थे कि आपका जो बैलेंस शीट है ये वो, लेकिन जो जो मैं समझूंगा हमारा काम है बहुत अच्छा बिजनेस बनाना। एक अच्छा बिजनेस क्या होता है, इसकी अब लॉन्ग टर्म रोड हो, रिटर्न इक्विटी अच्छी हो, प्राइसेस अच्छी हो, स्मेल अच्छा हो, ग्रोथ अच्छा हो, लोगों का गुडविल हो, लोग अच्छी बातें करें बैंक के बारे में, इन सबसे प्राइसेस बनता है डिपॉजिट से। ये जब हम करते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली शेयर प्राइस रिजल्ट है अपने पाएगा। आप ब्रोकरेज में देखिए, मॉर्गन स्टैनली का रिपोर्ट आप सही करते हैं, 10 रुपए 20 सेंट का स्टॉक होते थे, अभी मॉर्गन स्टैनली ने अपडेट करके 80 रुपीज कर दिया। आज मैंने रिसर्च रिपोर्ट पढ़ा ICICI का ठीक बात है बिल्कुल, और दिख भी रहा है। और पिछले एक साल में जिस तरह की परफॉर्मेंस कंपनी की, बैंक की भी और स्टॉक की भी दोनों आई, वो गजब की है। जैन साहब आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ एसेट क्वालिटी को लेकर। तिमाही दर तिमाही एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुई है, क्या आप टारगेट लेके चल रहे हैं कि नेट NPA ग्रॉस NPL किस लेवल पर आप कंफर्टेबल है? और दूसरा, इस तिमाही में थोड़े से प्रोविजंस बढ़कर आए, परसेंटेज में ज़्यादा दिख रहे हैं, वैसे 300 करोड़ से 450 करोड़ पहुँचे, इसकी कोई खास वजह सर? मैं पहले एसेट क्वालिटी में बोलता हूँ, एसेट क्वालिटी काफी स्ट्रॉन्ग है। अगर आप देखें तो हमारे NPA अभी 2.17% हो गए हैं, प्रीवियस क्वार्टर में 2.51% थे, नेट NPA अभी 0.7% है। इनफैक्ट अगर आप इसमें से इंफ्रास्ट्रक्चर बुक हटा के देते हैं, जो कि हमारी बुक कंटिन्यूसली नीचे आ रही है, तो हमारे ग्रॉस NPA 1.7% है और नेट NPA गिर के 0.44% हो जाता है। एसेट क्वालिटी काफी स्टेबल है। SMA जो कि प्री NPA स्टेज है, अगर आप वो देखें तो हमारे SMA के नंबर्स भी काफी स्ट्रॉन्ग है। इनफैक्ट जो कि ये इंडिकेट करते हैं कि एसेट क्वालिटी और बेटर हो रही है। SMA 1 इन 2 जो कहते हैं आपकी ओवरड्यू बिटवीन 30 टू 90 डेज, वो सिर्फ 0.85% है। वो मैं कहूँगा जस्ट कॉन्टेक्स्ट के लिए कि मार्च 2022 में वो 1.7% थे, ऑलमोस्ट हाफ हो गए वहां से। क्रेडिट कॉस्ट के लिए अगर मैं बोलना चाहूँ तो अगर आप देखिए क्रेडिट कॉस्ट टू एवरेज फंडेड एसेट्स इस क्वार्टर में 1.16% है, प्रीवियस क्वार्टर में ये 1.26% है। हम मार्केट को गाइड कर रहे हैं कि 1.5% के अंदर रहेंगे क्रेडिट कॉस्ट, पर मुझे लगता है हम ब्रॉडली ये ट्रेजेक्ट्री मेंटेन कर पाएंगे। क्रेडिट कॉस्ट काफी स्टेबल आप उम्मीद कर सकते हैं हमारे यहाँ से। जी,
जी वैद्यनाथन सर, एक सवाल आपके IDFC और IDFC फर्स्ट बैंक के मर्जर पर लेना चाहता हूँ कि कहाँ तक बात पहुंची है और क्या डेवलपमेंट और हो रहे हैं सर स्टेटस? अभी वो टाइम लगेगा बिकॉज अभी तो यूरोपियन रेगुलेटरी कमीशन NCLT कम है, पर हमारे जो फीडबैक है फ्रॉम शेयर होल्डर्स इज दैट इज ओवरवेलमिंगली पॉजिटिव एंड नोबडी शुड हैव एनी कंसर्न और डाउट। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, वो तो इट्स मैटर ऑफ टाइम एंड फ्रैंकली इट्स अ वेरी वेरी बिग मोमेंट फॉर द बैंक। एक बार मर्ज होकर एक बैंक बन गया जैसे HDFC बैंक, ICICI बैंक, इंडिपेंडेंट होता। बिल्कुल ठीक बात है सर, आई विश कि जल्दी से जल्दी इसकी जो प्रोसेस है वो पूरी हो और ये जो क्वार्टर आपके लिए बहुत ही शानदार रहा है, बेहतरीन परफॉर्मेंस है, एक बार फिर से आपको कॉम्प्लीमेंट्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस, और उम्मीद करते हैं आगे आने वाली तिमाहियों में भी बैंक की यही दमदार परफॉर्मेंस आपकी और आगे बढ़े। वैद्यनाथन सर, सुधांशु जैन साहब, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।